अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रसमलाई बना रहे हैं। ये नीडो की पाउडर लिए हमने, ये एक गिलास है। ये एक गिलास का माप का हिसाब है एक अंडे की जर्दी। ये देखो, एक गिलास हमने माप करके इसमें डाले हैं, एक गिलास इसमें है, तो दो अंडे की जर्दी लगेगी इसको। ये हम हिसाब बता रहे, एकदम परफेक्ट है, हमारी बड़ी लड़की की रेसिपी है, बड़ी लड़की की रेसिपी है। और ये इसमें से एक चुटकी पैकिंग पाउडर डालेंगे, एक चुटकी आटा गूंदने में और पिस्ता ऊपर से लगाने में। और ये शक्कर, हमने एक प्यारी शक्कर लिए हैं, आपको शक्कर जितनी चाहिए, कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, आप कर सकते हैं। और इसमें से हम एक चुटकी थोड़ा सा केसर लेंगे। और ये दो अंडे लगेंगे। ये देखो, एक लीटर दूध को हमने पकाने को रखे हैं, अच्छा गड़गड़ दूध लेने का। हमने भैंस का दूध लिए हैं एक लीटर, पानी लगाने का नहीं, इसको हमने पकाने को रखे हैं। देखो अभी इसमें शक्कर डालेंगे। ये देखो अभी पकने को, उबलने को आया है, अभी इसमें शक्कर डालेंगे। ये देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो, आपके हिसाब से आप शक्कर डालो, हमने एक प्याली शक्कर डाल दी है। अभी इसको पकाएंगे, फिर आपको बताएंगे आगे का। ये देखो, दो गिलास हमने पाउडर लिए दूध की। अभी ये देखो, इसमें एक चुटकी सोरा डालेंगे। ये देखो, ये दूध की पाउडर हमने पकाने पहले दूध रखे हैं। अभी ये नीडो की पाउडर में हमने आपको बताया एक चुटकी पेकिंग सोरा डाले। अभी ये देखो, ये अंडे की जर्दी है ना, वो डालेंगे। अभी इसको आटा गूंथते ना, ऐसा गूंथेंगे, हाँ आपको बता रहे। ये देखो अच्छे से गूंथेंगे, आपको बता रहे कैसा गूंथने का हो। शक्कर पक रही है, दूध पक रहा है अच्छे से। ये देखो ऐसा आटा गूंथने का, देखो जैसा अपन गेहूं का आटा गूंथते ना, मैदे का आटा गूंथते, वैसा गूंथने का। ओ, पानी लेने का नहीं इसमें, इसमें अंडे की जर्दी में आटा गूंथने का अच्छे से। देखो आपको बता रहे, ये देखो जब तक ये तेल छोड़ेगा नहीं, नीडो तेल छोड़ता है खुद ब खुद, जब तक इसको गूंथते रहने का। अच्छे से गूंथेंगे तो अच्छे से रसमलाई बनेंगी, एकदम फर्स्ट क्लास। ये देखो, ये पाउडर में फेट रहता है, इसके लिए खुद ब खुद इसमें तेल छोड़ता है। ये जब तेल छोड़ने तक इसको अच्छे से गूंथेंगे, 5 मिनट इसको गूंथना चाहिए। ये देखो कैसा तेल छोड़ा है, देखे आधे घंटे से इसको गूंथ रहे हैं, एकदम इसको नरम गूंथना चाहिए और 5 मिनट गूंथना चाहिए, उसके बाद बताते। देखो आप देखो कितना तेल छूटा है। तो अभी ये दूध की पाउडर को तेल छोड़ना शुरू हो गया। अभी और ऐसा उसमें हमसे लम्स आते वो पूरे मसल डालने के। देखो ऐसा मसल मसल के अच्छे से आटा गूंथने का, पूरा तेल छोड़ना होता है इसमें ऐसा गूंथने का, तो ही रसमलाई अच्छे से फूलेगी, नहीं तो नहीं फूलेगी। देखो केसर डाले दूध में, अच्छे से पक रहा है और गाढ़ा होना चाहिए इसको, और पकना चाहिए। अभी ये देखो हमने केसर के धागे डालेंगे। ये देखो अभी सर्व करते टाइम भी थोड़े केसर डालेंगे, हाँ अभी इसमें डाले, इतना बस हो गया। एक लीटर दूध है ना, ज़्यादा नहीं डालने का। अभी अच्छा पकाएंगे इसको, और पकाएंगे इतनी सी टिकली करने की, और उसको थोड़ा गोल करके चपटा करने का। ये देखे कैसा बना रहे, देखो देखे फर्स्ट क्लास, ऐसा बनाने का, सब ऐसी टिकली बनाएंगे, ऐसी गोल गोल करके, ऐसा चपटा करके पूरी टिकली बना देंगे, फिर दूध में डालते टाइम बताते। रसमलाई की टिकली बन गई, अभी दूध गर्म है ना, उसके अंदर ये टिकली डालेंगे और पकाएंगे उसको, है ना। अभी इसके अंदर एक एक टिकली को छोड़ेंगे। ये देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो और इसको अच्छे से पकाएंगे, फास्ट गैस पे नहीं। ये देखे हम टिकली डाल रहे हैं, अच्छे से इसको पकाएंगे। ये अच्छे से डीप होना चाहिए और चम्मच नहीं मारने का बिल्कुल, और धीमी गैस पे पकाने का इसको। अभी इसको आधा घंटा पकाएंगे, फिर बताएंगे आगे का।
ये रसमलाई अच्छे से फूल जाएगी ना जब बताएंगे। रसमलाई फर्स्ट क्लास तैयार हो गई, अभी हम आपको सब करके बता रहे। ये देखो हमने रसमलाई बनाए एकदम फर्स्ट क्लास, टेस्टी बन गई है। ऐसी बनाओ, आप भी बनाओ, हमको फोटो भेजो। देखो अभी हम इसको सब कर रहे। ये देखो पिस्ते के इसे सब करेंगे, केसर से और पिस्ते से। ये देखो हमने रसमलाई बनाए हैं, एकदम फर्स्ट क्लास टेस्टी बनी है। ये हमारी बड़ी लड़की बनाती है, बहुत टेस्टी बनाती है। देखो हमने बनाए हैं, उसने हमारी हेल्प करी है। इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने परिवार को खिलाओ और खुश रहो। शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।